आप देख रहे हैं डार्क फाइल्स। तो चलिए बढ़ते हैं आज की इस कहानी की ओर। अपने दोस्त के घर पर बैठे बैठे यूं ही जगन की नजर दीवार घड़ी पर चली गई तो वक्त देखकर जगन एकदम से उठकर खड़ा हो गया और अपने दोस्त से बोला, अबे यार 10 बज गए, पता ही नहीं चला, चल अब मैं निकलता हूं। इस पर जगन का दोस्त बोला, इस वक्त क्यों जाएगा, कल सुबह चले जाना। तो जगन बोला, अरे नहीं भाई, तू तो जानता है बाबा की तबीयत अभी सही नहीं है, अगर रात बिरात कुछ हो गया तो माँ अकेली संभाल नहीं पाएगी। जगन का दोस्त अगर उसे रोकना चाहता भी तो इस बात को सुनकर नहीं रोक सका। खैर जगन ने अपना साइकिल उठाया और चल पड़ा अपने गांव की ओर। रास्ता पूरी तरह से खाली हो चुका था क्योंकि मौसम गर्मी का था, वो भी मई महीने की गर्मी, जिस वजह से साइकिल चलाते हुए जगन पूरी तरह से पसीने में तर बतर हो चुका था। रात कीड़ों की आवाजें पूरे माहौल में ऐसे गूंज रही थी जैसे किसी खाली घर में लोगों की आवाज गूंजती है। खैर जगन साइकिल चलाता रहा, क्योंकि जगन का गांव उसके दोस्त के गांव से काफी दूर था तो जाहिर सी बात है उसे घर पहुंचने में अभी वक्त लगने वाला था। जिस रास्ते पर जगन अभी साइकिल चला रहा था वो रास्ता पूरी तरह से खामोशी के गिरफ्त में था। हालांकि उस रास्ते पर स्ट्रीट लाइट थे मगर काफी दूर दूर पर, जिस वजह से रास्ते पर आधी अधूरी ही रोशनी पहुंच पा रही थी। जगन अभी साइकिल चला ही रहा था कि तभी उसकी साइकिल का बैलेंस बिगड़ने लगा, मगर एन वक्त पर जगन ने साइकिल को संभाल ही लिया। कहीं ना कहीं जगन को ये अंदाजा तो लग गया था कि क्या हुआ होगा, मगर कन्फर्म करने के लिए वो एक दफा पीछे मुड़ा तो उसका अंदाजा एकदम सही निकला। जगन की साइकिल का पिछला टायर पंचर हो चुका था। परेशान होकर जगन साइकिल से नीचे उतरा और साइकिल को धक्का देते हुए आगे बढ़ने लगा, मगर जगन जानता था कि वो इस तरह से चलकर अपने घर नहीं पहुंच सकता क्योंकि उसका गांव अभी भी बहुत दूर था। लेकिन सिवाय इस तरह से चलने के जगन के पास दूसरा कोई चारा नहीं था तो वो चलता रहा। रात हर पल गहराती जा रही थी और जगन खुद को काफी थका हुआ महसूस कर रहा था। जगन को इस तरह से पैदल चलते हुए अब काफी वक्त हो गया था। तभी रास्ते के किनारे सामने की तरफ जगन को एक बड़ा सा घर नजर आया। जगन ने सोचा कि अगर किसी तरह से वो उस घर तक पहुंच जाता है तो शायद उसे कुछ मदद मिल सकती है और हो सकता है रात भर के लिए उसे उस घर में पनाह मिल जाए। यही सोचकर थका हारा जगन अपनी साइकिल को धक्का देते हुए उस घर की तरफ जाने लगा। चलते हुए जगन उस घर के पास पहुंचा तो उस घर के बाहर एक बोर्ड लगा हुआ था जिसमें लिखा था गुप्ता कॉटेज। वैसे तो जगन को किसी भी अनजान के घर में रुकना कतई पसंद नहीं था, मगर वो भी क्या करता, उसकी मजबूरी जो थी। लिहाजा जगन अपनी साइकिल को बाहर ही ताला मारकर उस घर के दरवाजे पर गया और दरवाजा पीटने जा ही रहा था कि तभी उसका सर एकदम से घूमने लगा और उसकी आंखों के सामने सब कुछ काला काला सा होने लगा। जगन अपना सिर पकड़कर दरवाजे के पास बनी सीढ़ियों में बैठ गया। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अचानक उसके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। अभी जगन अपना सिर पकड़कर दरवाजे के बाहर बैठा ही था कि तभी उसके पीछे घर का दरवाजा खुला। घर के अंदर से एक बूढ़ा आदमी और एक बूढ़ी औरत बाहर निकली। उन दोनों को देखकर जगन तुरंत ही उठकर खड़ा हो गया।
तभी बूढ़े आदमी ने जगन से कहा, क्या हुआ बेटा, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? बूढ़े की बात सुनकर जगन ने उसे अपनी सारी परेशानी बता दी, जिस पर उस बूढ़े आदमी ने जगन से कहा, हम तुम्हारी साइकिल तो ठीक नहीं कर सकते, पर अगर तुम चाहो तो रात भर यहाँ रुक सकते हो। उस वक्त जगन लाचार था, इसलिए वो बूढ़े की बात मानकर घर के अंदर चला गया। घर के अंदर पूरा अंधेरा छाया हुआ था, शायद लाइट नहीं थी, जिस वजह से भीषण गर्मी के कारण जगन थोड़ी ही देर में पसीने से तर बतर हो गया। जगन को इस तरह से पसीने में नहाता देख उस बुढ़िया ने कहा, अरे बेटा तुम्हें तो पसीना आ रहा है, लाइट भी नहीं है, चलो छत पर, तुम वहीं सो जाना। उस उमस भरी गर्मी में जगन को यही करना ठीक लग रहा था, लिहाजा वो उस बुढ़िया के साथ सीढ़ियों की तरफ जाने लगा। जगन अभी सीढ़ियों की तरफ जा ही रहा था कि तभी उसकी नजर एक दीवार पर टंगे दो तस्वीरों पर गई। दोनों तस्वीरें दो अलग अलग आदमियों की थीं और दोनों तस्वीरों में फूल की माला लटक रही थी, इसका मतलब वो दोनों मर चुके थे। खैर जगन ने सोचा इसी घर का कोई होगा और वो उस बुढ़िया के साथ सीढ़ियों से होकर छत पर चला गया। छत पर काफी अच्छी हवा चल रही थी। कुछ ही देर में बुढ़िया ने जगन का बिस्तर लगा दिया और वहां से चली गई। पहले कुछ देर तक तो जगन यूं ही बिस्तर पर लेटा रहा, मगर धीरे धीरे उसे नींद आने लगी और ठंडी हवा खाते खाते वो कब सो गया उसे कुछ याद नहीं। पता नहीं कितनी देर बाद, मगर जब जगन की नींद टूटी तब उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कोई उसके अगल बगल चल रहा हो, क्योंकि आंख बंद करके ही वो किसी के कदमों की आवाज सुन पा रहा था। जगन ने जब आंख खोलकर देखा तो पाया कि दो लोग उसके अगल बगल घूम रहे हैं। उन दोनों को देखकर जगन तुरंत ही उठकर बैठ गया और उन दोनों को गौर से देखने लगा। पर जब जगन ने उन दोनों को पहचाना तो डर के मारे उसका दिमाग घूम गया, क्योंकि वो दोनों वही लोग थे जिनकी तस्वीर जगन ने हॉल में देखी थी। पर यह कैसे हो सकता है, अभी जगन ये सोच ही रहा था कि तभी उन दोनों में से एक आदमी ने जगन से कहा, अगर तुम भी हमारी तरह मरना नहीं चाहते तो चले जाओ यहां से, वरना मारे जाओगे। पहले तो जगन को लगा कि ये सब उसके साथ मजाक हो रहा है, मगर जब उसकी नजर उन आदमियों के पैरों पर गई तो वो समझ गया कि ये मजाक नहीं बल्कि हकीकत है, क्योंकि उन दोनों आदमियों के पैर जमीन से 2 फीट ऊपर थे। वो दोनों लोग हवा में उड़ रहे थे। ये देखने के बाद जगन की हिम्मत तो नहीं हो रही थी कि वो उन दोनों से बात कर सके, पर क्योंकि वो दोनों जगन को कुछ कर नहीं रहे थे, इसलिए जगन ने काफी हिम्मत जुटाकर उन दोनों से पूछा, आप लोग कैसे मरे थे? तो इस पर उन दोनों में से एक आदमी ने कहा, आज से 1 साल पहले हम लोग भी तुम्हारी तरह इस घर में रात को पनाह लेने के लिए आए थे। हम दोनों को पता नहीं था कि वो बूढ़ा बुढ़िया भूत हैं और उन दोनों ने हमें छत से गिराकर जान से मार डाला। वक्त रहते तुम भी यहां से निकल जाओ, नहीं तो हमारी तरह मारे जाओगे। उन दोनों की बात सुनकर जगन को सारा मामला समझ आ गया, लिहाजा वो बिना वक्त गवाए अपनी जगह से उठा और छत से उतरकर दरवाजे की तरफ जाने लगा। इसी बीच एक बार जगन की नजर उन दोनों आदमियों के तस्वीर की तरफ गई तो उसने वहां जो देखा वो देखकर उसका दिल जोरों से धड़कने लगा, क्योंकि वहां पर उन दोनों आदमियों के साथ एक तीसरा फोटो फ्रेम भी था
और वो तस्वीर किसी और की नहीं बल्कि जगन की ही थी। उस तस्वीर पर भी फूलों की माला लटक रही थी। जगन को अब समझ आ गया था कि आगे उसके साथ क्या होने वाला है, मगर फिर भी उसने हिम्मत नहीं हारी और वो दौड़ते हुए दरवाजे की ओर भागने लगा। भागते हुए जगन अभी दरवाजे की तरफ जा ही रहा था कि तभी घर का दरवाजा, जो थोड़ी देर पहले तक खुला हुआ था, वो अपने आप ही बंद होकर लॉक हो गया। तभी जगन को उसके पीछे से आवाज आई, अभी तो सुबह नहीं हुई बेटा, कहाँ जा रहे हो? आवाज सुनकर जगन जैसे ही पीछे मुड़ा तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं, क्योंकि उससे कुछ ही दूरी पर वही दोनों बूढ़ा बुढ़िया खड़े थे, मगर अब उनकी शक्ल बहुत ज्यादा बदल चुकी थी और वो दोनों बहुत डरावने दिख रहे थे। जगन को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करे। किसी तरह हिम्मत जुटाकर जगन ने दरवाजे का लॉक तो खोला, मगर उससे दरवाजा नहीं खुला। शायद दरवाजा बाहर से बंद था। वो दोनों बूढ़ा बुढ़िया लगातार जगन की तरफ बढ़ते आ रहे थे, लेकिन तभी वो दरवाजा एकदम से खुल गया। जगन ने बाहर देखा तो बाहर वही दोनों तस्वीर वाले लोग खड़े थे। फिर क्या था, जगन ने आव देखा ना ताव, साइकिल वाइकल सब वहीं छोड़कर सीधे दौड़ लगा दी और अपने घर की दहलीज पर ही रुका। तो इस तरह से उस रात जगन की जान बच गई, मगर वो बूढ़ा बुढ़िया थे कौन, ये आज तक उसे पता नहीं चल पाया। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो मैं आपका दोस्त आर्यन जल्द ही मिलूंगा आपसे ऐसी ही एक कहानी के साथ।